हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसएस यूनिटेक और मैं हूं सुशील। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जाता है गूगल एडसेंस में तो उसके बाद आपको क्या करना है। लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम 10 में से 6 यूट्यूबर के पास आती ही आती है। वो कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन 3 बार सबमिट करने के बाद भी पास नहीं होता है। उसके बाद उनके पास ये मैसेज डिस्प्ले होने लगता है, योर एड यूनिट्स आर नॉट डिस्प्लेइंग एड्स बिकॉज यू हैव फेल्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी एंड रिज्यूम एड सर्विसिंग प्लीज कॉन्टेक्ट अस। तो ये आपके पास दिखने लगेगा अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। इसके बाद आप एक्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी पहले जैसा ऑप्शन नहीं दिखेगा। ये मेरे पे दिख रहा है कि मेरे पास पेमेंट मेथड जो मैंने ऐड कर रखा वो वैलिड नहीं है, उसका ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ कहीं भी मुझे नहीं दिख रहा है जो पहले मेरे पास दिख रहा था। तो दोस्तों, क्या करना है, तो आज मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो गया है तो आप इसे सक्सेसफुली रिकवर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियोस डालूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उसकी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल पर जाना है। YouTube चैनल पर जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्किप करना है और आपको क्लासिक क्रिएटर स्टूडियो ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हेल्प एंड फीडबैक का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक जैसे आप करोगे तो एक यहाँ पे ऑप्शन आपसे पूछेगा, तो हमें कांटेक्ट करना है YouTube क्रिएटर टीम के साथ। मेरे पास यहाँ पे देखो दिख रहा है कांटेक्ट द YouTube क्रिएटर सपोर्ट टीम। आपके पास हो सकता है ऑप्शन ना दिखे, तो आपको क्या करना है, ऊपर आपको टाइप करना है कांटेक्ट, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, तो कॉन्टेक्ट द यूट्यूब क्रिएटर टीम। तो सपोर्ट टीम पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, आइदर आप चैट कर सकते हो या फिर आप ईमेल के थ्रू अपना मैसेज उनके पास तक पहुंचा सकते हो। तो मैं यहाँ पे चैट करने जा रहा हूँ, तो चैट पे क्लिक करना है। तो जैसे चैट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से पूछेगा आपसे कि किस लैंग्वेज में आपको चैट करनी है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में चैट करूँगा, अगर आपको किसी और लैंग्वेज में चैट करनी है तो आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम आप डाल दीजिए। यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम डालना है, तो अब यहाँ पे अपना लास्ट नेम भी डाल सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी आप अपनी यूट्यूब वाली डाल सकते हैं या फिर आप जो भी ईमेल आईडी चाहे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने चैनल का यूआरएल डालना है, तो चैनल का यूआरएल कैसे मिलेगा, ये जो यूआरएल आपको दिख रहा है ये आपके चैनल का यूआरएल नहीं है। तो इसके लिए आपको बता दूँ कि आपको आपके चैनल का यूआरएल मिलेगा कैसे, इसको ओपन करते हैं एक बार। अब यहाँ पर व्यू चैनल पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू चैनल पर क्लिक करोगे तो ये जो यूआरएल आपके सामने ओपन होके आया है ये यूआरएल है एक्चुअल आपके चैनल का यूआरएल। कॉपी करके इसे हम यहाँ चैनल पे पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा आपके पास, हाउ कैन वी हेल्प यू। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज फेल्ड। इसके बाद आपको यहाँ स्टार्ट चैट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट चैट पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको वेट करना है। यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, यहाँ आप देख सकते हो गूगल सपोर्ट से एक आपके पास आ गया है, यू आर नंबर वन इन द क्यू। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है आपको। यहाँ पे देखो चैट स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं चैट करने जा रहा हूँ, मैं अपनी वीडियो को पॉज करता हूँ, यहाँ पे चैट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, चैट होने के बाद मेरे पास एक मेल आई है YouTube की ओर से। आप यहाँ पे मेल देख सकते हो, एज डिस्कस्ड वाया चैट अर्लियर काइंडली सेंड द डॉक्यूमेंट्स यू आर यूजिंग टू वेरीफाई योर एडसेंस आइडेंटिटी, लुकिंग फॉरवर्ड योर रिस्पॉन्स। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे रिप्लाई किया है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रिप्लाई करने के बाद मैंने अपने चैनल का लिंक भी दिया। यहाँ पे मैंने अटैचमेंट में डाल के आईडी भी भेजी है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे उनको भेजी हैं और मेरी उनसे काफ़ी लंबी बात हुई। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे
मेल एक्सचेंज हुए हैं, और इन मेल एक्सचेंज होने के बाद फिर फाइनली मेरे पास एक मेल आई है यूट्यूब की ओर से। मैं आपको मेल दिखा देता हूँ। ये मेल देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो योर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड, प्लीज साइन इन इनटू द योर गूगल एडसेंस अकाउंट एंड सेट अप ए प्राइमरी पेमेंट मेथड इफ यू हैवन्ट डन सो ऑलरेडी। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास मेल आ चुकी है। तो मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है, और वेरीफाइड होने के बाद अब मेरे पास गूगल की ओर से पिन आएगा, उसके बाद एड्रेस वेरीफाई के लिए वो पिन हमें डालना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है, ये आपको फॉलो करना है। तो ये आप कैसे फॉलो करोगे? सबसे पहले आपको गूगल से चैट करनी है, गूगल से चैट करने के बाद उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, अपनी प्रॉब्लम बताने के बाद फिर वो मेल पे आपसे रिस्पॉन्स लेंगे। आपकी आईडी को वहाँ पे मेल पे चाहिए होती है उनको, आप अपनी आईडी उनको मेल पे दोगे, फिर ये वेरीफाई करेंगे। 3-4 दिन या हफ्ते भर का टाइम इसमें लगता है, लेकिन विद इन अ वीक आपके पास गूगल से रिस्पॉन्स आ जाता है कि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो चुकी है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो, अगर उसके बाद भी आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होती है तो फिर आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होगी, गूगल पूरी तरीके से मना कर देगा, आपका एडसेंस अकाउंट वहां से ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद आप यूज नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद आप क्या करोगे वो मैं आपको बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियो पे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जितना आप कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।